हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए, आज का मैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है, एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया और दो अन्य डॉक्टर द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर टिल बी बिन नामक एक नई पुस्तक का तैयार किया। तो यह एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया और अन्य डॉक्टर मिलकर जो अभी वर्तमान में कोविड-19 की महामारी चल रही है उसी पर टिल वी बिन नामक एक नई पुस्तक का क्या क्या तैयार किया, इसका भी विमोचन भी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, थल सेना अध्यक्ष जनरल एम एम नरवाने को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाल सेना के मानक जनरल पद से सम्मानित किया गया। तो प्रश्न यहाँ पर हम इससे क्या क्या सीखे इस प्रश्न है कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल एम नरवाने। क्या है? जनरल एम नरवाने। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो नेपाली सेना के मानस जनरल पद से किसको सम्मानित किया गया? थल सेना अध्यक्ष को। तो ये बात भी हम सीखे हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली है। अध्यक्ष कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। यानी तो हम क्या यहाँ से सीखें कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली है। और अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और क्या जाने कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। तो और क्या जाने कि नेपाल की मुद्रा क्या है? मुद्रा नेपाली रुपया। तो इस प्रश्न में हम इतने सारे जानकारी इकट्ठा करें। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, ए के गुप्ते बने ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने? तो ए के गुप्ता बने। तो ए के गुप्ता किसका क्या क्या चीज़ का बने? ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO बने। तो ONGC क्या होता है? ऑयल, इसका हम फार्मूला जानते हैं। तो ऑयल नेचुरल गैस एंड कॉरपोरेशन क्या होता है? ऑयल नेचुरल गैस एंड कॉरपोरेशन ये होता है ONGC का पार्ट। तो ONGC के इस क्वेश्चन से क्या जानते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। ONGC की स्थापना विदेश लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। ONGC विदेश लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। इस क्वेश्चन से हम इतने सारे इस फैक्ट्स को जान पाएँ। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड अभिनेता फराज खान का निधन हो गया। फराज खान कौन थे? तो पूछेगा तो प्रश्न क्या होगा, आंसर क्या आएगा? तो बॉलीवुड अभिनेता थे। इन्होंने मेहदी 1998 में, फिर अब 1996 में दुल्हन बनूं मैं तेरी 1999 में, और चांद बुझ गया 2005 में शामिल हुए थे। किसमें? मेहंदी इनका फिल्म था, फरहत अख्तर का 19, और फरेब था दुल्हन बनूं मैं तेरी, और चांद बुझ गया, ये सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया। अगला जो प्रश्न है, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच शुरू हुआ नौसेना अभ्यास, उस अभ्यास का क्या नाम है? कराट, CARAT, बांग्लादेश 2020। तो किसके बीच में हुआ? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। तो क्या अभ्यास, सैनिक अभ्यास का नाम क्या है? कराट। और तो कराट का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरपोरेशन ऑफ रोथ रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग। क्या होता है? कॉरपोरेशन ऑफ लोथ रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा, केंद्रीय पर्यटक और संस्कृत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा की वर्चुअल उद्घाटन किया। तो केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र स्थापित जो किया, जो हमारे कौन किए हैं? केंद्रीय पर्यटक और संस्कृत राज्य मंत्री जो कौन है अभी में वर्तमान में? तो प्रहलाद सिंह पटेल। तो इस प्रश्न से हम इतना जाने, और जानते क्या कि यहाँ क्या कहाँ हुआ? तो केरल में। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरफ मोहम्मद खान। तो इस प्रश्न में हम इतने सारे फैक्ट्स को जाने। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का किया सफल परीक्षण। जो भारत, जो हमारे देश हैं, जो किस रॉकेट का उन्नत संस्करण, पिनाका रॉकेट का उन्नत मतलब कि नई तकनीकी का एक सफल प्रशिक्षण किया, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G. सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो इस प्रश्न में इतने सारे जाने।
कि जो भारत ने रॉकेट प्रशिक्षण किया उसमें डीआरडीओ की भूमिका होती है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, फिर इसरो भी का भी काम होता है, तो ये तो अपना है। तो अगला जो प्रश्न है, एडीबी ने मेघालय की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 यूएस डॉलर के ऋण की मंजूरी दी, तो किसने दी, एडीबी ने। एडीबी ने कहाँ दी, मेघालय में बिजली वितरण के लिए। तो एडीबी मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ क्या कहाँ किस कहाँ कौन राज्य सरकार को दी, तो मेघालय को। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड संगमा। कौन है, कॉनराड संगमा। मेघालय के राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक। कौन है, सत्यपाल मलिक। मेघालय की राजधानी कौन है, शिलांग। तो इस प्रश्न में हम इतने सारे फैक्ट्स जाने, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आइवरी कोस्ट के पदभारी राष्ट्रपति अलसेन कौन है, राष्ट्रपति अलसेन अटौरा कटौरा ने तीसरा 5 साल का कार्यकाल जीत लिया। तो कहाँ के थे, आइवरी कोस्ट के पदभारी राष्ट्रपति अलसेन कटौरा ने अगला 5 साल के लिए क्या किया, विजयी हुए हैं। तो आइवरी कोस्ट कैपिटल का कैपिटल कहाँ है, यामसाउकोरो। कहाँ, यामसाउकोरो। आइवरी कोस्ट का कैपिटल कहाँ, यामसाउकोरो। आइवरी कोस्ट मुद्रा क्या है, पश्चिमी अफ्रीका सीएफए फ्रैंक। क्या है, पश्चिमी अफ्रीका सीएफ फ्रैंक, ये आइवरी कोस्ट का मुद्रा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे दुनिया भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न से क्या सीखें कि वर्ल्ड सुनामी दिवस हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा अंतिम सवाल। यदि आपको थोड़ा भी मेरे वीडियो से फ़ायदा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।